साढ़े ग्यारह बज रहे हैं, 7 बजे उठे थे और ये देखे भाई हमारे पड़े हैं मिस्टर खांडा बॉयज। तो आज हम लोग चिल मार रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि कल अपने लोग निकल जाएंगे तो थोड़ा सा वेट करते हैं। सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, ब्रेड ऑमलेट चाय वगैरह है। अभी हालत मत देखना, अभी हालत ऐसी है। एंड जस्ट लुक एट द व्यू देयर ब्रो, दिख रहा है क्या? एंड इधर पीछे बर्फ पड़ी हुई है। तो आज का सीन ये है कि अभी नहा धो के तैयार होंगे, नीचे जाएंगे। आज हमने डिसाइड किया कि आज हम रोटी खाएंगे, बिकॉज थर्सडे के बाद से अभी तक हमने एक बार भी रोटी नहीं खाई है। और आज का मौसम काफी प्लेजेंट लग रहा है, धूप निकली हुई है, काफी सनी डे है, तो आज तो मजा आने वाला है। हाफ टी शर्ट में काम चलेगा पूरा, मेरे को लग रहा है। कल भी मैंने पहन रखा था बट लास्ट में ना 7-8 बजे के बाद तो ठंड हो गई थी बहुत ज्यादा भयंकर। बाकी आई विल कीप यू पोस्टेड, आप देखते रहे। अभी पिछले बॉय गंदा सा बच्चा देख रहे हैं, बाल बाल मैंने अभी निकल चुके अपने लोग हडिंबा टेम्पल। दिस योर बॉय अंकित हांजा। जी जी, हेलो हेलो। हडिंबा टेम्पल कितना दूर दिखा रहा है? हडिंबा 1 किलोमीटर, हडिंबा टेम्पल अभी 1 किलोमीटर है। और यार जा क्यों रहे हैं वैसे? ऑलमोस्ट 1.5 दिन हो गए हैं, आज काफी लेट हो गए निकलने में। कल तो जल्दी निकल गए थे, आज 15-20 मिनट फालतू हो गया। आज हम 10 मिनट जल्दी निकले हैं तो कुछ इतना भी हम लेट नहीं निकले। लेकिन आज थोड़ा ठंड वाला सीन थोड़ा सा ज्यादा, आज ठंड ज्यादा लग रही है। हांडे कल से आज थोड़ी ज्यादा ठंड है, तभी तूने टी शर्ट पहनी है। मुझे टी शर्ट मैंने इसलिए डाल ली, मैंने कहा ठंड वाला टी शर्ट डाल लो। और वो पीछे वाले बंदे को देख, उसको तो कोई होश नहीं, वो तो कह रहा मेरा कुछ सामान खो गया आसमान में, उसे ढूंढना मुझे। उसे सामान ढूंढना भाई। मैं तुम्हारे साथ में आया, ये मेरे साथ नहीं आया, ये हांडे के साथ नहीं आया, ये मेरे साथ नहीं आया, ये आया पैदल पैदल दिल्ली से। इसको हम गाड़ी के पीछे रस्सी बांधे घसीटते हुए। जी हाँ। तो अभी वी आर गोइंग टू हडिंबा टेम्पल एंड इसके बाद हमें एक भूख लग रही है बहुत तेज, जाके अपने खाएंगे खाना, रोटी ते सब्जी, ये चिकन खाते हैं। ऑलराइट, सी यू सून। तो हो गया अपने हडिंबा टेम्पल का जो हमारा करना था। अरे भैया, माता ने बोला है जाना तो पड़ेगा ही, क्या करें। हेलो जी, तो हम आ चुके हैं हडिंबा टेम्पल से, वहां पर तो हमें सिर्फ 5 मिनट लगे और एज यूजुअल हमने अपना फेवरेट खाना खाया, मोमोज। और अब लोग हम निकल चुके हैं मॉल रोड के लिए, और आज का प्लान मॉल रोड का ये है कि अपने खानी है दाल रोटी सब्जी चिकन, क्योंकि थर्सडे के बाद से अभी तक रोटी नहीं खाई भाई साहब। एक बार भी तू जा भाई, तू चले जा पहले, तू जा, तू निकल। तो वी आर ऑफ टू मॉल रोड और वहां पे जाने के बाद देखते क्या सीन बनता है, जो भी सीन बनेगा आई विल कीप यू पोस्टेड। मुझे लगता है फिजू भाई नाराज हो गया। फिजू भाई, फिजू भाई क्या हो गया? फिजू भाई एंग्री हो गए। फिजू भाई कह रहे मेरे से बात मत करो। फिजू भाई आपके पेट में से मटका क्यों निकल रहा है? चक्कर तो चक्कर।
ओ बाला गंजे नितिन दोबारा से ओ मेनू ए सारी फ्रूटी लगदी आ पग दी पूटी लगदी आ मेनू ए सारी फ्रूटी लगदी आ ओ भाई फिजू भाई डांस करते हो ओ फिजू भाई फिजू भाई आ गए थल्ले थल्ले साडे वीरा दे कोल आ आ थल्ले साडे वीरा दे कोल आ आ जगदी आ बोतला दे विच दो गड्डियां जा रही आ की बादल हो रहे काले काले ये भी काला फाल से काले काले फाल से बड़े रसीले फाल से काले काले ये नितिन ब्लॉक करते हुए विदाउट फोन अरे भैया क्या हाल है भैया ये हमारे होटल वाले भैया जा रहे हैं हेलो फीजू भाई ब्लॉगिंग करते हैं फीजू भाई अब देखो जितने भी लोगों में देख रहे होंगे ना सब सोच रहे सब ये तीनों पागल है ये तीनों पागल है मेंटल हॉस्पिटल से आए हैं कुछ भी कर रहे कुछ भी भाई का व्लॉगिंग स्टाइल देख लो भाई का व्लॉगिंग स्टाइल भाई व्लॉग करके दिखाना भाई प्लीज फिर जो भाई व्लॉग करके दिखाओ भाई की व्लॉगिंग चल रही है ओ भाई मॉल रोड पहुंच गए हम लोग मॉल रोड पहुंच गए हम लोग अब कुछ कहेंगे गुड मॉर्निंग गाइस हम आ गए यहाँ पे शेर पंजाब मॉल रोड पे और ऑर्डर कर लिया है तीन दिन के बाद रोटी खाने को मिलेगी तो मेरे को लग रहा है कि आत्मा को तृप्त के पहुँच जाना चाहिए तो क्योंकि अगर नहीं पहुँची ना तो मनाने का फायदा नहीं होगा क्योंकि अपना कोई बाकी फिजू भाई का देख ही चुके हैं फिजू भाई ने आज ब्लॉगिंग करी है बिना कैमरे की फिजू भाई लगे सर लंच करने के बाद सॉफ्टी जरूर खाइएगा प्लीज आके क्योंकि लंच के बाद सॉफ्टी नहीं खाई तो मना लिया रहेगा क्या फायदा तो ये 6 in 1 सॉफ्टी जरूर खाइएगा भाई साहब ये बच्चा सा करा ये चेक द्वारा
आज मॉल रोड आके कुछ नई चीज मिली देखने को। बच्चे का डांस आप देख ही चुके हैं, बच्चे नाच रहे फुल एनर्जेटिक होके ये। देखो मॉल रोड पे असली फन तो यही है। यहाँ पे आया अब देखो साथ में। गोली मारो। ये हमारे फ्रेंड्स ब्लॉग कर रहे हैं। भाई मुझे लगता है कि अगर हमारी ब्लॉगिंग किसी ने देख ली तो उसकी डेथ भी हो सकती है अगर किसी ने हमें ब्लॉग करते देख लिया। तो अब हम शायद जा रहे हैं हम मॉल रोड से शायद ओल्ड मनाली एंड लेट्स सी कीप यू पोस्टेड। हम लोग पहुंच चुके हैं जॉनसन कैफे एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू चिल हियर फॉर अ वाइल। कॉफ़ी शॉफी पीते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। क्या बोल रही पब्लिक, सो ब्यूटीफुल प्लेस। सो वी आर एट जॉनसन कैफे और यहाँ का एटमॉस्फेयर तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। अभी तक का बेस्ट लुकिंग कैफे। हांडे ने ऑर्डर किया कैफे फ्रैपे, नितिन ने ऑर्डर किया कैफे फ्रैपे, मैंने किया हॉट चॉकलेट। देखते कैसा लगता है। सीन बहुत क्रेजी है यहाँ पे भी। गोरे बैठे हैं उधर भी, गोरे बैठे हैं इधर भी, और उधर जो गोरे बैठे हैं वो सारे के सारे मोबाइल पे लगे हैं, कोई आपस बात नहीं कर रहा। और हमारा हॉट चॉकलेट आ चुका है शायद कैफे फ्रैपे, लेट्स सी कैसा लगता है। एंड इसके बाद शायद हो सकता है कि हम लोग ओल्ड मनाली वापस जाएँ, कोई दूसरा कैफे ढूंढें। फिलहाल यहाँ एंजॉय करते हैं, फिर शायद वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाते हैं। अरे फिजू भाई कहाँ जा रहे हो? हेलो जी, वी आर बैक एट द होटल। टाइम इज अराउंड 11:30। अभी हम आ रहे हैं ओल्ड मनाली से लेजी डॉग कैफे से। वहां पर म्यूजिकल नाइट थी। एक बंदा फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हर्ष का म्यूजिक, दैट गाय वाज परफॉर्मिंग देयर। वो आपने अभी शायद देख ही लिया। परफॉर्मेंस वाज नाइस। और हम जब पहुंचे थे तो आधा उसका परफॉर्मेंस हो चुका था, तो हमें बहुत थोड़ा सा मिला, अराउंड 20-25 मिनट्स हमने उसका म्यूजिक सुना। अदर देन दैट, अगर आपके पास कोई प्लान ना हो ना मनाली में, जैसे आज हमारा प्लान था, हम सोच रहे थे कि सोलान जाएंगे, बट फिर हमने सोचा कि उसको रहने देते हैं। उसमें बहुत सारा टाइम लग रहा था और हम लोग लेट हो गए थे, सुबह ही 2-2:30 बजे हम लोग होटल से निकले थे।
तो हमारा वही रूटीन रहा, हम लोग मॉल रोड गए, फन किया रास्ते में, फन तो आप देख ही चुके नितिन ने और आनंद ने जो फन किया, गुरिल्ला ट्राइपॉड पकड़ के कुछ नहीं लगा, ना फोन लगा ना कैमरा लगा, और वो ऐसे करके रिकॉर्ड करके दिखा रहे, ऐसे करके दिखा रहे, तो फुल ऑन मजे चल रहे थे। आज हमने 3 दिन बाद रोटी खाई तो बहुत सारा खाना खा लिया, बहुत ही सारा। उसके बाद तो भाई पूछो मत, पेट ऐसा फूल रखा था कि मैंने कहा भाई मैं नहीं चल सकता, मेरे को तो जाना है कहीं बैठना आराम से। फिर हम लोग गए जॉनसन कैफे, जो कल नहीं गए थे तो आज हमने वो भी एक्सप्लोर कर लिया। वहां की बेस्ट चीज, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लुकिंग कैफे इन मनाली, अगर आप आए तो जरूर जाइएगा वहां पे, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ही कम वहां पे हमारा खर्चा आया और टेस्टी भी बहुत था। तो आज का दिन वॉज ऑल्सो फाइन, हडिम्बा टेम्पल करा, मॉल रोड, ओल्ड मनाली, जॉनसन कैफे, और ये ट्रिप खत्म हो रहा है। हम लोग कल वापस जा रहे हैं दिल्ली, तो हम लोग शायद निकलेंगे 11 बजे तक। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छा लगा होगा, ज्यादा एंटरटेनिंग लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग अगर कोई नेक्स्ट डे बनाएंगे तो मैं जरूर उसको रिकॉर्ड करूंगा, और कोशिश करूंगा कि व्लॉग सबसे रेगुलर रहे, क्योंकि मुझे पता है बीच में मैंने बोला था कि व्लॉग्स वेलकम एवरी ऑल्टरनेट डे, एंड उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो मैं कर नहीं पाया था, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट एनीवेज हम लोग करेंगे दोबारा से मेहनत, आपका भाई फुल मेहनत करेगा, देखेंगे क्या कर सकते हैं, अपने क्या एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और आगे। कल हम लोग सोच रहे हैं निकलेंगे 11:30-12 बजे निकल जाएंगे, और सुबह 4 बजे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे नोएडा, और होपफुली पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि ज्यादा रास्ता तो उतरने का ही है तो इजीली हो जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मनाली वॉज ऑसम, ये 3 दिन बहुत ही अमेजिंग रहे थे मेरे को, तो बहुत ही फन एंटरटेनमेंट फुल ऑन, मतलब क्रेजी सीन हो रहा कहते हैं, मतलब क्रेजी कर दिया बिल्कुल ही। बट ओ माई गॉड आज तो बहुत ही क्रेजी कर लिया मैंने, रॉकस्टार से मेरा नहीं है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, अब कुछ नहीं है, भैया से चाय मंगाई थी, चाय पियेंगे क्योंकि गला थोड़ा सा बैठ चुका है, बहुत चीखे चिल्लाए हैं, हल्ला मचाए, गाने गाए हैं कैफे के अंदर बैठ के, तो अब चाय पीते हैं, थोड़ी देर ऊनो खेलेंगे और सो जाएंगे, सुबह को अपना मस्त उड़ेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे मिलते रहेंगे आपसे, कोशिश करेंगे जल्दी से मिलें और आपको और एंटरटेन करें, आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाए। बाकी शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, आज हमने कुछ करा नहीं आपको एंटरटेन करने के लिए दूसरा सा वीडियो, तो मे भी आपको आने वाले टाइम में मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून देन, पीस।